हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष पॉल और मैं हूं यहां जुहू में एट द आइकॉनिक लोकेशन, यस द वन एंड द ओनली द किशोर कुमार बंगलो। एंड टुडे देयर इज समथिंग एक्साइटिंग हैपनिंग हियर। यहां पे एक अमेजिंग रेस्टोरेंट जो है ना उसकी यहां पे तैयारी चल रही है, तो मैं अकेले क्यों देखूं, आप भी आ जाना। कम 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 विद मी, मैं आपको दिखाता हूं। कम कम तैयारी चल रही है या हो गया? वर्क इन प्रोग्रेस। राइट, अरे मनीष कॉल आया यार। अरे मनीष, विराट भाई यार, बिल्कुल बढ़िया। कैसे? प्लेजेंट सरप्राइज थिंग, मैं तो यहाँ पे आया, आप यहाँ पे कैसे? पता नहीं। नहीं, अरे वन एट कम्यून खुल रहा है ना जुहू में, आओ दिखाता हूँ आपको। चलो अंदर दिखाता हूँ। नहीं अंदर तो चलो, लेकिन आप आना। हाँ मैं ऐसे देखूंगा बाहर, मेरा दोस्त मेरे को बोल रहा है कि मनीष कॉल आए। मनीष? मनीष कहाँ से आ गए? देन आई विल बी लाइक, वो मनीष व्हाट आर यू डूइंग हियर? व्हाट इज गुड, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक दिस इज गुड, आई थिंक वो मजा आएगा। मानना पड़ेगा, किसी को पता नहीं है। नहीं नहीं ना, थैंक्स फॉर कमिंग। प्लेजर मैन, चलो लेट्स सी द प्लेस। यार क्या बात है यार। सो दिस इज द लिविंग रूम। वाओ, यहां से देन the whole place spreads inside. वो वहाँ इंसर्ट? हाँ वहाँ तक है और लेफ्ट में भी है। यार इतनी बड़ी जगह मिलना, you know, when I came to Mumbai, वो एक 1BHK ढूंढने में धागे उखड़ गए थे, हालत खराब हो गई थी। How did you find this place, man? So this is actually late Kishore Das Bungalow. Yeah. It actually matches perfectly with our concept. Kishore Das Bungalow, मतलब किशोर दा यहाँ पे रहे होंगे, उनकी vibe, can you imagine क्या vibe है? Unbelievable. वैसे अगर किशोरदा की बात करें, मैं विराट आपको बताना चाहता हूँ, मेरा एक लड़का है किशोरदा का बहुत बड़ा फैन। उसको एक बार पूछा गया कि अगर तुम्हें एक आइलैंड पे अकेले छोड़ दिया जाए सिर्फ एक इंसान के साथ, किसके अंदर होगी? उन्होंने कहा किशोरदा। यू नो बीइंग अ बॉय, जनरली लड़कियों के नाम लिए जाते हैं, बट किशोरदा का, एंड यू नो हु दैट गाय इज? विराट कोहली। ये कोई मैनिफेस्टेशन था कि किशोरदा का बंगला? I do yes believe in it, but मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी कोइंसिडेंस तो नहीं होता, मतलब यू नो इट्स ऑल मेंट टू बी। His songs have really, really touched me emotionally. And the one person that I was asked, who would you like to have met if they were alive, I said Kishore Da always, because he was just charismatic and his personality. यार ये connect जो है ना, आप अलग level पे ले गए हो। इसमें जो interior होता है, जो क्या बनाना है, कैसे है, takes a lot. So how did you think about that? तो हमारी जो back end team है, they've been doing a tremendous job. तो concept basically जो initial मेरी interactions हुई थी, मैंने ये बोला था यार मैंने बहुत travel किया है, मैंने बहुत जगहें देखी हैं, तो मुझे कभी भी ना बहुत ज़्यादा structured जगहों में जाना पसंद नहीं था। आप कभी भी आ सकते हो, यू नो व्हेन द किचन ओपन्स फ्रॉम डे थ्रू टू द इवनिंग, एंड देन वी हैव इवेंट्स हैपनिंग। और इंटीरियर भी जो किया आप देखोगे, बहुत एक्सपोज चीज़ें छोड़ी हुई हैं, बहुत कैजुअल, बहुत रॉ, बहुत एक लाइक हाँ, मतलब आप आओगे आपको ऐसा नहीं लगेगा यार यहाँ पे ना शर्ट पहन के आना चाहिए, कि मतलब शॉर्ट्स टी शर्ट में घुसो आप, चिल करो, कॉफ़ी पियो, एंड द वाइब वॉज ऑलवेज मेंट टू बी चिल्ड आउट, कि यार वहाँ जाके हैंग आउट करना है। यार लोग जगह खोलते हैं, रेस्टोरेंट भी खोलते हैं, लेकिन आई सी यू getting so involved is beautiful. But yeah, I don't get going with anything if I can't be involved. How nice. So mera pehla hamesha yahi intent rehta hai ki main kisi agar jagah ke sath juda hu to meri involvement honi chahiye. You know, you've invested your time, a part of you. As I said, I've traveled a lot. Ye mujhe karna tha. To usme aapki involvement alag level pe hoti hai. To isliye humne cheezon ko specially khane ko bahut focus mein rakha hai. Main ab bhi yahi puchne wala, khana jo hai uska kya scene hai paani? The food quality speaks for itself. The model has grown so rapidly over the last 1.5-2 years. वो खाने की क्वालिटी की वजह से है, मतलब लोग अगर बार बार आ रहे हैं, चाहे आप जगह अच्छी बनाओगे, खाना अच्छा नहीं, आप एक बार आओगे, हाँ यार अच्छा है, उसके बाद आपने खाना खाया, यार मे भी यार मे भी नहीं है, दूसरी बार नहीं, बट लोग आ रहे हैं बार बार, तो ओनली फूड कैन ब्रिंग यू बैक टू द प्लेस। क्या बात है, वैसे मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, तो मैं मिला हूँ, जगह देखिए, खाने का कुछ मतलब मुझे नहीं, करेंगे खाने का, आओ आपको पहले अपने शेफ से मिलवाते हैं। अरे हाँ यार, मतलब वो तो बिल्कुल रेस्टोरेंट की जो नींव होती है, बिल्कुल है ना शेफ, बहुत ये That is Chef Pawan. Simple से क्या है? How are you, Chef? Good to see you. Round place. Thank you very much. Thank you very much. यार अभी आपने बताया कि आपने सब कुछ सोचा कि जहाँ जहाँ आप travel करते हैं उसका taste रख के raw रखा है जगह को, ये तो जगह के बारे में हो गया। लेकिन जो menu होता है वो सोचना पड़ता है या जो मन में आता है? नहीं नहीं, मतलब मेरे को I want to know. नहीं नहीं नहीं, menu में I think जितनी मेहनत, if not more,
उतनी ही मेहनत मेन्यू में लगती है जितनी आप जगह को डिजाइन करने में लगाते हो, क्योंकि और शेफ का पहले दिन से ये फोकस रहा है कि मेन्यू हम ऐसी बनाए, खाने की क्वालिटी हैज टू बी पैरामाउंट. तो द फैक्ट दैट पीपल आर कमिंग बैक अगेन एंड अगेन एंड एज आई सेड रैपिड ग्रोथ, हमने इतने आउटलेट्स खोल लिए, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द फूड क्वालिटी. सो द कॉन्सेप्ट वी हैव इट्स कॉल्ड वन इट कम्युनिटी. सो द आइडिया इज टू इन्वॉल्व एवरी कम्युनिटी. Inclusivity, as I mentioned, it's not just in the design, it's in your menu, which is the most important thing. तो मैंने पहले से ही डिजाइन किया था कि यार मेरे स्पेसिफिक डिशेज प्लीज डालना उसमें. हाँ बिल्कुल, मैं भी आके खाता हूँ वहाँ पे, तो मुझे वो बहुत पसंद है. और ही इज मेड श्योर दैट प्लांट बेस्ड है, वेजिटेरियन है, मीट ईटर, सी फूड, एवरी थिंग विल बी अवेलेबल हियर. एब्सोल्यूट. तो आप ट्राई करके देखो. हाउ यू लाइक इट? ये तो बिल्कुल बनता है. चलो बिल्कुल. This actually looks yummy. I mean, it doesn't even just look yummy. वो फोटो वाला नहीं है. हाँ. खाना भी अच्छा है. So the tofu steak and these dim sums, the mushroom googly are my favorite. You try and then absolutely we'll have a. I can't wait. Thank you very much, Paji. Pleasure. Yeah, pleasure. दिल्ली का खाना या मुंबई का खाना? Which one? मुझे पहले लगता था कि दिल्ली के खाने के आसपास कुछ भी नहीं. जो मेरे लिए जायज था, क्योंकि दिल्ली में मोस्टली आई स्पेंड ऑल माय टाइम. खाना तो है ही कमाल का. सो आई थॉट बॉम्बे में जगह ही नहीं है, बट आई वाज प्रूवन रॉन्ग. बॉम्बे में भी देर आर सच गुड प्लेसेस टू ईट. स्ट्रीट फूड भी आई वाजंट अवेयर कि इतना अच्छा है. स्ट्रीट फूड तो कमाल है. आई थिंक बोथ प्लेसेस हैव देयर चार्म. अच्छा, नॉस्टैल्जिक अगर बात करें, कोई स्कूल का कोई टिपिकल खाना या कुछ याद आता है? मुझे दो ही चीज़ें ध्यान में आती हैं मेरी. एक तो एक वो स्कूल की मेमोरी बन जाती है. हमारे स्कूल में ना एक रिक्शा आता था. अच्छा. उसके बाद ना ब्रेड पकौड़े होते थे, सौंठ की चटनी, और वो जो ब्रेड पकौड़े थे ना, वैसा स्वाद मुझे दोबारा खाने को नहीं मिला. वो पता नहीं, क्योंकि मैं बचपन में मेरे को पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, लेकिन वो अभी तक मेरे मेमोरी में है. हाँ. और दूसरा एक वो कॉर्न पफ्स आते थे दिल्ली में, नटखट नाम के. दोज वर माय फेवरेट. व्हाट अबाउट यू? यार मैं समोसों का बड़ा शौकीन हूं. मुझे याद है वहाँ हमारे स्कूल के बाहर एक दुकान होती थी, वहाँ समोसे छोले मिलते थे. फिर ना हम उसको बोलते थे यार थोड़ा छुमंतर पा दे. छुमंतर के थोड़ा चाट मसाला. तो वो होता था. यार आई एम हैविंग एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. लेकिन अगर मैं आपके एक्सपीरियंस की बात करूँ भाई, योर बेस्ट एंड द वर्स्ट एक्सपीरियंस खाने फूड वाइज. फूड वर्स्ट फूड एक्सपीरियंस पहले मैं बताता हूँ. रिसेंटली हमारा एक ट्रिप था, पेरिस गए थे. तो वहाँ मेरा वर्स्ट फूड एक्सपीरियंस था फॉर वेजिटेरियंस. दैट वाज अ नाइटमेयर. पहले तो लैंग्वेज बैरियर था, उसके ऊपर से there were not many options. Best was actually we had been to Bhutan. Organically grown, वहाँ के local vegetables, वहाँ का you know wild rice. They call it the Bhutanese farmhouses. Okay. तो उनका concept क्या है? You climb up the stairs. छोटी-छोटी उनकी huts हैं. उनको farmhouse बोलते हैं. अपनी सब्जियाँ उगाते हैं नीचे. Wow. Yeah. So they plucked out organic vegetables. बैठ के हमने खाया उनके साथ उनके घर में नीचे. और दैट वाज आवर बेस्ट फूड एक्सपीरियंस. आपका वर्स्ट? मेरा रहा था, मैं एक्चुअली वर्स्ट याद रहता है. वर्स्ट याद रहता है यार, मैं हांगकांग गया था. तो उन्होंने जो दिया, माफी के साथ कहता हूँ, मतलब जब उसका धुआं आया ना मेरी तरफ, तो उसके बाद जो मैं ऐसे मैट्रिक्स की तरह पीछे गया हूँ, मैंने कहा हटाओ इसको, नहीं खाया जाएगा मुझसे. तो वो रहा. लेकिन बेस्ट तो मैं यार यहाँ पे कर रहा हूँ एक्सपीरियंस. आई थिंक दिस इज अमेजिंग खाना. दिस इज वियर्डेस्ट खाना आपने खाया हो या किसी को खाते देखा हो? कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना लोग खानों का. मैं वियर्डेस्ट खाना मैंने खाया नहीं है. मैं बचपन में ना मुझे बहुत शौक था किचन में जाके घोल के कुछ मिला के देखूं. पिया कभी नहीं. मतलब कप ले लिया, गर्म पानी डाला, उसी में कॉफी, उसी में क्रीमर, उसी में चाट मसाला, नमक, नींबू, मिर्च, हल्दी लगे हुए हैं, घोल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा. तो वो देख के तो मेरे को लगता था यार ये पी लिया तो मतलब इसके बाद कोई रिकवरी नहीं है. मैंने कभी कंज्यूम नहीं किया. बट खाते हुए मैंने देखा किसी को, वो है रिद्धिमान साहा. ठीक है, उसको एक बार मैंने खाते हुए देखा. प्लेट उसकी थी, उसने रखा हुआ है बटर चिकन था, उसमें रोटी थी, उसकी सैलेड था, साथ में रसगुल्ला रखा हुआ है. अब मैंने देखा उसने दो तीन बाइट रोटी के लिए, नान के लिए सैलेड खाया, उसके बाद एक चम्मच रसगुल्ला खा गया वो साथ में. तो मैंने कहा रिद्धि क्या कर रहा है तू? कह रहा मैं ऐसे ही खाता हूँ, मुझे कभी आइसक्रीम खा रहा होता है वो दाल चावल के साथ. मतलब और एक साथ खत्म करके नहीं, दो बाइट इसकी, एक बाइट आइसक्रीम. मतलब क्रिएटिविटी और जगहों पे भी यूज की जा सकती है मुझे लगता है. प्लीज. अच्छा, चॉपस्टिक नहीं यूज करी आपने अभी तक? है, मैं आई तो बड़े स्टाइल से थी. मैंने बचपन में सीख लिया था चॉपस्टिक से खाना. इसको देखिए, इतने बड़े ट्रैवल लोग ऑलवेज जस्ट टेक इट लाइक दिस. ओके, ऐसे करना है इसको. ठीक है ना, ऐसे करके आना. अच्छा, तो मतलब आप वो वाले हो जो मैं 3-4 साल पहले तक था. मैंने यहाँ तक सीखा था, मैं खाता तभी था जब पलट जाते थे लोग. मैं तो पहले देखा ना, जब पहली बार गया था रेस्टोरेंट में, ये देखा मैंने, पूछ लिया. मैंने कहा मम्मी तो आई नहीं, सिलाइयाँ क्यों भेजी हैं? उनका बोला भी तो यार.
चलो भाजी खाना तो हो रहा है, थोड़ा सा मस्ती भी हो जाए ना। ओके देखो क्या इसमें ना एक एक फूड आइटम लिखी हुई है, ठीक है। डम शरीट्स आपने खेले होंगे? शरीट्स तो मैंने बॉम्बे आके सुना है ना, दिल्ली तक क्या था डम शराड। यार मैं भी पहले शराड ही बोल रहा था, इन्होंने बोल दिया डम शरीट्स। मैंने कहा शरीड खिला ले, हमने खेलनी तो वही गेम है तो ये हमने खेलनी। ओके ठीक है, तो आपने खाना देखना है और मुझे गेस करवाना है। आप ठीक है, अब आपने मुझे गेस करवाना है, मैं देखता हूँ मैं गेस कर पाता हूँ। लेट मी सी हाउ गुड यू आर। ये तो एक्टिंग ही करनी है। हाँ ओके हाँ चलते गाड़ी चला रहे हैं। हाँ फुटपाथ पेवमेंट, अच्छा हाँ स्ट्रीट फूड, हाँ ओके। नान तंदूर पूड़ी छोले, पूड़ी छोले छोले भटूरे। होए होए क्या बात है यार, ये भटूरे भाई ये जो किया रहा जो फिर ऐसे फेंकते हैं ना वो ये जो आपने भटूरे लेके जब यूं किया ना, मैंने कहा भाई ये तो भटूरा है। ये अच्छा वेल डन वेल डन मेरी बात। अब आप ठीक है ओके। टीका पनीर टिक्का। ओ क्या बात है, मतलब मुझे बोल रहे हो तो पनीर टिक्का ही होगा, नहीं तो मैं चिकन भी बोल सकता हूं। ओके तो अब मैं आपको एक बार करवाता हूं। ओ ये तो आसान इतना नहीं है वैसे। छोटा ओके, छोटा छोले आलू छोले मटर एडमामे, अच्छा राजमा राजमा चावल। ओहो क्या बात है, मैं तो राज कुछ करने की कोशिश कर रहा था, तो जान की गलत कहा गया था। ओ चौबरी वाली भी कितनी लगाएंगे तो आपको ही लाओ। ओके चलो जी चलो जी ओके ओके इसको करते हैं। ओके कुछ अंदर फिल करके तलने वाली चीज है। ओके मोमोज डिमसम मेरे के यार खा भी रहे थे ऐसा लाइट फूड। ओके क्या बात है पाजी, ये तो हमारा टाई हो गया, सूट मैं आपको भिजवा दूंगा, यही टाई उस पे आप पहन सकते हो। लेकिन अब यार ऐसा है जिस जगह पे हम बैठे किशोर कुमार साहब का बंगलो, तो अगर मेरी रिक्वेस्ट है यार एक एक लाइन अगर आपकी कोई फेवरेट गाना हो, एक एक मतलब एक और एक अच्छा एक और एक और तो और बढ़िया हो गया। चलो तो पहले आपकी हो जाए पहले। मेरा उनका फेवरेट गाना है मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। क्या बात है यार आप तो बड़ा अच्छा गाते हैं, मुझे नहीं पता था काफी बढ़िया गाया। योर टर्न, बट एक ट्विस्ट है गाने में, आपको दो फूड आइटम्स ऐड करनी है। यार ये गलत बात है, मैंने आपको सीधा सीधा दिया। यार मैं क्रिकेट खेलता हूँ आप एक्टिंग करते हो, कुछ तो आपको डिफिकल्ट दूंगा ना। ये भी बात है, इम्प्रोवाइज तो आपका करना काम है। चलो मैं इम्प्रोवाइज करता हूँ। ओके मेरे को गाना वैसे पसंद है वो है ना दिल पर मेरे कब तक मुझे, अब उसमें ट्विस्ट करते हैं। चलो यहीं से खाना ले लेते हैं। हाँ डिमसम मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, अब कांडो की लत लगा दूंगा जो पल में पिघल जाओगे। well done, well done. मैं नहीं कर पाता ये। नहीं मैं अभी अभी आ गया मुझे, बट हाँ ये एक्चुअली आया भी इसलिए बिकॉज़ एक्चुअली खाना इतना कमाल कि अभी तक मुझे ना स्वाद चल रहा है मेरे। बिल्कुल तो वो आया और ये गाना निकल आया। थैंक यू पाजी, थैंक यू अमेजिंग फन, थैंक यू सो मच, मजा आया। इट्स एन ऑसम प्लेस एंड आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज़ आप मेरे साथ बैठे और मैं यहां पे आया हूं। I think I've had a wonderful experience. Thank you. And wish you all the luck for this. Thank you so much. Thanks for coming. And you're always welcome in the future. You, your family, friends, anyone. Thank you so much for being here. On that note, we would like to announce that we are opening One It Commune in Juhu, the first one in Mumbai. So all of you with friends and family are welcome to be a part of the community. See you here soon.